हेलो गाइस, मैं टेक्निकल वुमनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैंने एक इनसाइट ऑन इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें आर्ट एंड कल्चर और एथिक्स के प्लान, मतलब 70 डेज मेन रिविजन प्लान है, उसका day 1 की एक सिनॉप्सिस उन्होंने अपलोड करी है। उसके बाद बारे में आपको ब्रीफ देना चाहूँगी। आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द काकटियस डायनेस्टी टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अराउंड इसमें 150 अराउंड वर्ड्स होने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले काकटिया डायनेस्टी के बारे में हम लोग बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th to 14th century में उन्होंने ईस्टर्न डेक्कन में, जो आज की डेट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रीजन है, वहाँ पर उनका ये पूरा डायनेस्टी फैला हुआ था। वेस्टर्न स्टाइल टेम्पल्स के आर्किटेक्चर वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब बनाए गए थे उनका, मतलब दोनों नगरा और द्रविड़ा दोनों स्टाइल फॉर्मेशन उसमें उनके टेम्पल्स में था। और जो इनका टेक्नोलॉजी और डेकोरेशन सबसे ज़्यादा डाइवर्स रीजन में थी, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने जो टेम्पल बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर है, उसको बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बना करके रखा था। तो इस फोटो में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक छोटा सा माइंड मैप दिया गया है, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, सेकेंड सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ फ्लोटिंग ब्रिक्स, और उसके बाद फिर यूनिक क्राफ्ट एंड क्राफ्टमैनशिप और कीर्ति थोरानस, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएशन इज माई रॉन्ग, एक्चुअली कीर्ति जो है ये एक टाइप ऑफ गेट है, जो यूनिक गेटवे जिसको बोला जाता है उनके वेसरा के, जो चारों तरफ में मतलब बनाया जाता है। देखो यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रही है, तो ये मतलब मेन गेटवे जो यूनिक गेटवे स्टाइल है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं बॉडी में, काकटिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेम्पल स्टाइल जो होगा वो लेटर चालुक्य आर्किटेक्चर का है, फ्यूजन है, मैंने बताया आपको रेविन और नागरा स्टाइल का। 1000 पिलर्स, उसके मेन एग्जाम्पल्स देखिए कौन कौन से, 1000 पिलर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला है, जो हनमाकोंडा और वरांगलर में डिफरेंटली लोकेटेड है। सेकेंड क्या है कि 5 टाइप के मेन डिज़ाइन है काकटिया टेम्पल में। पहला होता है एककुटा, द्विकुटा, त्रिकुटा, चतुष्कुटा और पंचकुटा। सो मतलब ये टेम्पल प्लान है कि जो 1, 2, 3, 4, 5 करके उन्होंने उसमें डिज़ाइन के बारे में बताया है। उसके बाद फिर में इनके टेम्पल में कौन कौन से प्रमाइसेस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सभा मंडपा, देन नंदी मंडपा। नंदी मंडपा वो है जहाँ पे नंदी जी की बहुत बड़ी मूर्ति होगी, उस मंडप में उसको नंदी मंडपा कहा गया। पाकशाला, पाकशाला मीन्स किचन। कल्याण मंडपा, कल्याण मंडपा मीन्स मैरिज मंडप, वेयर जहाँ पे मैरिज वहाँ पे होती होगी। रंग मंडपा इज़ नोन फॉर जहाँ पे क्या बोलते हैं, डांस प्रोग्राम्स और सारी चीज़ें होती होगी, रंग उसको रंगमंच जिसको कहा जाता है, उसी वहाँ पे उस टाइम पे उसको रंग मंडपा बोला गया। और द्वार मंडपा, ठीक है, द्वार मंडपा भी एक चीज़ है। फिर इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, उसके जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है काकटिया, जो बहुत ही अच्छा उन्होंने क्या किया है कि बोथ मतलब सैंड और ब्रिक्स दोनों का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे जो बताया था आपकी कीर्ति थोरानस जो यूनिक गेटवे है, वो यहाँ पर उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, जो टेम्पल को कॉम्प्लेक्सेस में सबसे मतलब यूनिक बनाता है। उसके बाद फिर उसको वारांगल काकटिया थोरानम और वारांगल गेटवे भी कहा जाता है, जो 12th century में ऑर्नामेंटल गेटवे था, ठीक है। उसके बाद फिर सांची स्तूप इज ऑल्सो आर द एम्बल ऑल द एम्बल ऑफ तेलंगाना। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है, तो उसमें गेट कंस्ट्रक्शन यूज़ हुआ है, विदस्टैंड सेवर अर्थक्वेक, जस्ट लाइक 1000 पिलर टेम्पल एंड रामप्पा टेम्पल जो थे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, मतलब जो सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी से बनाई, मतलब उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए कि उन्होंने अर्थक्वेक को ध्यान में रख करके अपने टेम्पल्स और सारी चीज़ें अब कंस्ट्रक्शन करते थे, ठीक है। फ्लोटिंग ब्रिक्स क्या होता है ना कि उनके जो कहा जाता है ऐसा कि जो ब्रिक्स उन लोगों ने यूज़ की है वो पानी में भी इवन क्या तैर सकती है, इतने फ्लोट वाले जो ब्रिक्स होते हैं वो उन्होंने डिज़ाइन करके उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। और इरिगेशन रिजर्वायर्स में क्या था, काकटिया बिल्ड अराउंड 5000 इरिगेशन रिजर्वायर्स, जो क्या करते हैं ड्राई एरिया, मतलब आपको तो पता ही होगा जो ड्रेविडन स्टाइल है वहाँ पर
जो क्या बोलते हैं इरिगेशन रिजर्वाइज बनवाना बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा मंडप के पास में, मंडपा के पास में, टेंपल्स के पास में आपको छोटे 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 से पॉन्ड लेक्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द इरिगेशन डेवलपमेंट और वहाँ पे ड्राई एरिया होने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद फिर टैंक है जिसको पकाला और रामप्पा में आज भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर दिस रिजर्वायर्स वर मेड कीपिंग इन माइंड द सॉइल टाइप एंड टोपोग्राफी ऑफ द प्लेसेस। फिर यूनिक क्राफ्टमैनशिप है जहाँ पे मोर देन 500 एलिफेंट्स ऑन द फ्रीज ऑफ रामप्पा टेम्पल, बट ईच वन इज़ कार्व डिफरेंटली फ्रॉम द अदर। मतलब सोचिए कि 500 एलिफेंट्स उन्होंने बनाए हैं रामप्पा टेम्पल में, बट हर एक एक दूसरे से अलग है, ठीक। और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यूनिक क्राफ्टमैनशिप रामप्पा टेम्पल में यूज़ की है, और जो उनके जो सबसे मेन यहाँ पे क्या है ना कि जो